नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंफ्रार्थ में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक नई प्रॉपर्टी पर। साथियों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई प्रॉपर्टी लेकर आए हैं जो कि कुर्सी रोड पर स्थित है। साथियों, अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये मेन हाईवे से जो है 400 मीटर अंदर पड़ता है और 50 फीट की रोड, 35 फीट की रोड और 25 फीट की रोड यहाँ पर उपलब्ध है। साथियों, अगर इस सोसाइटी में सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर तीन पार्क आपको मिलते हैं। 20,000 स्क्वायर फीट का पहला पार्क है, दूसरा पार्क हमारा 7,000 स्क्वायर फीट का है और तीसरा पार्क हमारा 5,000 स्क्वायर फीट का है। साथियों, इसके अलावा यहाँ पर गार्ड है, गेटेड सोसाइटी है, चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बना हुआ है। साथियों, अगर बात की जाए इस प्रोजेक्ट की तो ये प्रोजेक्ट हमारा कुर्सी रोड से लगा हुआ है। जब बात करें कुर्सी रोड की तो हमारी जो कुर्सी रोड की जो कनेक्टिविटी है ये जोड़ती है आपके विकास नगर, अलीगंज, जानकीपुरम, इन सभी जगहों को जोड़ती है और साथ ही ये आउटर रिंग रोड को टच करता है जो लखनऊ का पूरा एक गोल चक्कर लगाता है। तो साथियों, अगर आप लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बलिया, इन जगहों से अगर आप आ रहे हैं तो आप आउटर रिंग रोड से भी आप यहां आ सकते हैं। साथियों, अगर बात करें इस मकान की तो ये मकान हमारा 1,000 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK है, 2 बेडरूम इसमें नीचे बने हुए हैं और 1 बेडरूम इसमें ऊपर बना हुआ है। इसके साथ ही इस मकान को बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है, लाइटिंग का काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो आइए चल के देखते हैं कि इस मकान में आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। साथियों, आप देख रहे हैं मकान के सामने 25 फीट की रोड है और ये जो हम आपको मकान दिखा रहे हैं पश्चिम फेस का है। अगर हम बिल्टअप एरिया की बात करें तो 1420 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। साथियों, आप देख रहे हैं दोनों तरफ मकान बने हुए हैं, पूरी सोसाइटी में जो है लगभग 400 मकान बने हुए हैं। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर भी मकान बना हुआ है, यहाँ पे जो परिवार हैं वो रह रहे हैं। साथियों, ये मकान जो है सोसाइटी के गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपके लेफ्ट साइड में पड़ेगा। तो आइए चल के मकान हम दिखा देते हैं। साथियों, अगर ऐसे मकान की बात करें तो हमारे पास ये सैंपल के तौर पे रेडी है, तो आइए चल के अंदर से दिखाते हैं किस तरह से हैं। सामने यहाँ पर साथियों आपको ये मिल जाएगा जहाँ पर आप गाड़ी अपनी फोर व्हीलर जैसे ही आप ऊपर चढ़ाने के लिए रैप दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं ये गेट हो जाता है। यहाँ पर एक स्विफ्ट डिजायर बलेनो जैसी गाड़ी बहुत ही आराम से यहाँ पर आप पार्क कर सकते हैं। पूरा मकान जो है पिलर बेस पर बना हुआ है। साथियों, अगर इस मकान को बनाने की बात कही जाए तो ये हमारे सामने बना है और 3 फ्लोर का प्लान लेकर चला गया है। इसमें जो पिलर आए हैं लगभग 4.5 फीट नीचे से आए हुए हैं, तो जिसमें आप 3 फ्लोर तक आप बड़े आराम से आप मकान बनवा सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आप एक स्कूटी या बाइक आप पार्क कर सकते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर हमारा समरसेबल है, इसके नीचे समरसेबल पंप लगा हुआ है। यहाँ पर टोटी दी गई है जिससे कि आप गाड़ी वगैरह यहाँ से धुल सकते हैं। साथियों, बात करते हैं पीछे तो नीचे हमारे जीने के नीचे जो स्पेस मिल जाता है यहाँ पर इन्वर्टर बहुत ही आराम से आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, उसके लिए अच्छा खासा स्पेस दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं लाइटिंग से बहुत अच्छा काम किया गया है, फॉल सीलिंग से डिजाइन भी हुई है अंदर। इस पूरे बाहर जितनी भी लाइटें जल रही हैं इनका स्विच यहाँ पे दिया गया है और सभी ये मॉड्यूलर स्विच हैं और अच्छी क्वालिटी के ब्रांडेड सामान यूज किए गए हैं। साथियों, वैसे मैक्सिमम जो हमारे मकान होते हैं उनमें ये हम लोग डोर जाली नहीं लगा के देते हैं।
तो साथियों आइए दिखाते हैं अंदर किस तरह से इसमें हमने इनके लिए डिजाइन करके इनके लिए मैंने मकान बनाया था। ये जो आप दरवाजा देख रहे हैं ये हमने वुडन पे बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है और इसकी 20 साल की वारंटी रहती है हमारे मटेरियल पे जो कि ये आपको रजिस्ट्री में भी आपको लिख के दिया जाएगा। साथियों पीछे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे डिजाइन किया था जो कि आप देख सकते हैं। ये हमने फॉल सीलिंग से यहाँ पे डिजाइन किया है, पीछे वॉलपेपर लगाया है और पार्टीशन मैंने यहाँ से किया, पीछे हमारा डाइनिंग एरिया हो जाता है। इधर की जो हमारी वॉल्स है ये प्लेन रखी गई है और इस रूम के जितने भी स्विचेस हैं वो यहाँ पे लगाएंगे हैं, मॉड्यूलर स्विच है। लाइटिंग का भी जो वर्क किया गया है वो भी बहुत अच्छा किया गया है। गेस्ट रूम में जो आप देख रहे हैं ये एक विंडो मिल जाती है जो कि 6x6 की विंडो है जो कि आप देख सकते हैं पूरे मकान में पूरा जो है वेंटिलेशन को कवर करता है। ये एक सबसे अहम पार्ट है साथियों। ऊपर जो आप देखेंगे फॉल सीलिंग से मैंने इस पर काफी अच्छी तरह मैंने इसमें डिजाइन किया है, काम किया है। तो आइए अब आपको ले सकते हैं डाइनिंग एरिया में। साथियों अभी हम डाइनिंग एरिया में हैं। टीवी पैनल आपके सामने ये कस्टमर ने ऑन डिमांड बनवाया है। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे डिजाइन में शामिल है। ये 14 इंच की दीवार पर अंदर कटिंग करके हम इसमें वुडन पैटर्न पे काम करते हैं जिससे कि आप इसमें शो पीस वगैरह रख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा लुक देता है। सामने हमारा जो आ जाता है मॉड्यूलर किचन आ जाता है जो कि आप ठीक इसके सामने आप देख सकते हैं। अगर आप 8-सीटर डाइनिंग टेबल आप डाल लेते हैं उसके बाद भी बहुत अच्छा खासा स्पेस बच जाता है। नीचे आप देखते हैं ये हमारा मॉड्यूलर किचन है, हिंद वियर की चिमनी लगा के हमने दिया है और ये सारे रैक्स बने हुए जो कि आप देख सकते हैं अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे यूज किए गए हैं। साथियों सामने यहाँ पर भी विंडो मिल जाती है जिससे कि अगर हमारे किचन में अगर महिलाएं खाना बना रही तो उन्हें बाहर दिखाई देता है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। आपको बाकी हमारे जो मकान मिलेंगे उनमें ये ऊपर जो आप रैक्स देख रहे हैं ये हम बना के नहीं देते हैं, ये ऑन डिमांड कस्टमर ने यहाँ पे बनवाया है। साथ में एक यहाँ पे हम घड़ी लगा के दे रहे हैं, ये सभी मकान में आपको मिलेगा। अब हम आते हैं पीछे की तरफ और आपको दिखाते हैं ओटीएस। उससे पहले हम आपको इसमें की फॉल सीलिंग हमारी छूट गई है जो हम आपको दिखा देते हैं। ये डाइनिंग एरिया में हमारी जो फॉल सीलिंग है कुछ इस तरह से है जो काफी अच्छा लुक आपके मकान को देता है। जैसे हम थोड़ा सा पीछे आएंगे तो हमारा ओटीएस आ जाता है यहीं पर। इस ओटीएस से वेंटिलेशन आपके पूरा इधर भी बना रहेगा डाइनिंग एरिया में भी और इधर भी आपका रहेगा जहां पर आपको वॉश बेसिन लगाया गया है। साथ में ही एक यहाँ पे हम वॉशरूम है हमारा जिसमें कि इंडियन सीट लगी हुई है जो हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। वॉशरूम आ जाता है जिसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन की सीट लगी हुई है और टाइल्स जो है पूरी 9 फीट तक ऊपर ये लगी हुई है। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं हम मास्टर बेडरूम में सबसे पहले और आपको दिखा देते हैं कि मास्टर बेडरूम हमारा कैसा है। साथियों ये पीछे हमारी गैलरी हो जाती है, इसी गैलरी से एक आपका हो जाता है कॉमन बेडरूम, दूसरा हमारा आ जाता है मास्टर बेडरूम। सब में साथियों दरवाजे लगे हुए हैं, दरवाजे अच्छी क्वालिटी के लगाए गए हैं। ये हमारा जो है मास्टर बेडरूम आ जाता है जो कि आप देख सकते हैं इसे बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने सजाया है जो कि आप देख रहे हैं। इसमें वॉलपेपर हमने लगाया है एक वॉल्स पे, इनके सभी स्विचेस इधर दिए गए हैं वॉशरूम के। ये हमारा ओटीएस एक आता है जो कि आप देख सकते हैं जिससे कि इस रूम में भी वेंटिलेशन बना रहे हैं। साथियों अभी हम आप देख रहे होंगे कि अगर वेंटिलेशन है इसी वजह से समझ लीजिए कि थोड़ा गर्मी कम लग रही है। जब जुलाई अगस्त का माह होता है उसके बाद क्या होता है रूम में जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उमस होती है, इसलिए वेंटिलेशन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे रूम ऐसे होते हैं, बहुत सारे बिल्डर ऐसे मकान बनाते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन होता ही नहीं है और वो अलग अलग ढंग से वो उसमें वेंटिलेशन देने की कोशिश करते हैं जो कि बिल्कुल ही गलत होता है। कई बार मैंने देखा है कि बाथरूम से किसी ने दिया है, किसी ने कहीं से दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, उसके लिए एक अलग स्पेस होना चाहिए। तो ये हमने डिज़ाइन किया है जो कि आप मुझसे इसका लेआउट भी प्लान ले सकते हैं। साथियों ये वार्डरोब है जो कि आप देखते हैं ये ऑन डिमांड बनी है और इसे यहीं पर बनाया गया जो कि इसको कुछ इस तरह से यहां पे डिजाइन किया गया है। दो वार्डरोब इतना स्पेस आपको यहां पे मिल जाता है। ऊपर की इसमें रैक्स बनाई गई है जो कि अगर आप ऐसे बनवाते हैं तो लगभग 1 लाख से ज्यादा का आपका खर्चा आ जाता है वार्डरोब बनाने में।
बात होती है क्वालिटी की। साथियों बात करें इस मकान में ऊपर जो है फॉल सीलिंग की, मैंने इसमें जो ऊपर फॉल सीलिंग दिया है इसमें मैंने इसमें कांच से कुछ इस तरह से मैंने डिजाइन किया है जिसका लुक बहुत प्यारा आ रहा है और आपके इस रूम को एक अलग खूबसूरती देता है। साथियों इसी रूम में हमारा जो है मास्टर बेडरूम के साथ हमारा जो वॉशरूम है वॉशरूम यहाँ पे मिल जाता है जिसमें कि हमने बेसिन सिंक यहाँ पे लगा के दिया है जो हमारे कैमरा पर्सन आके आपको दिखाएंगे। आइए आपको लेके चलते हैं सेकंड बेडरूम में और आपको सेकंड बेडरूम में दिखाते हैं। साथियों ये हमारा सेकंड बेडरूम है जो कि आप देख सकते हैं। साथियों यहाँ हमने वॉलपेपर लगाया है ऊपर से हमने अपने इसमें लाइटिंग का मैंने काम किया जिससे कि अगर आपका जो बेड रहेगा वो आपका ऐसे पड़ेगा चिराना जिससे कि आपका बहुत ही आराम से इस पर एक अलग लुक आएगा। इसके साथ ही आपकी जो वॉल से पूरी प्लेन रखी गई है आप चाहे तो आप इसे कलर भी आप करवा सकते हैं। दरवाजे वैसे ही है अच्छी क्वालिटी के जो मैंने बताया वाटर प्रूफ है। बाकी इस रूम की जितनी भी लाइटें हैं उनके स्विच यहाँ पर दिए गए हैं और ये सारे स्विच जो है मॉडर्न है। इस रूम में वेंटिलेशन बनाए रखने के लिए एक यहाँ पे टोबिलियस आपको दिया जाता है जहां पर आप वॉशिंग मशीन वगैरह रख के आप वॉशिंग एरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे कैमरा पर्सन आपको ओडीएस दिखाएंगे। साथियों इसके साथ ही इस रूम में भी हमारे जो कस्टमर है उन्होंने बहुत ही अलग उन्होंने यूनिक काम करवाया जो भी आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने अच्छा खासा काम करवाया लैस बनवाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरह से इन्होंने काम करवाया है जो कि बहुत ही अलग है। अपना सामान वगैरह आप यहाँ बहुत ही आराम से रखें। इतनी बड़ी वार्डरोब अगर मंगवाया जाए उन तक भी आप देख सकते हैं ये सभी बने हुए हैं। तो अपने जो भी आपके बैग बॉक्स वगैरह है आप ऊपर आप रख सकते हैं। इसके साथ ही इस रूम में एक अलग चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हम हमारे जितने भी मकान हैं हम उसमें दो छत्ती बना के देते हैं जो हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ऊपर जो है हमने यहाँ पर हमने दो छत्ती बनाया हुआ है जो कि हमारी जो गैलरी होती है इसका हम उपयोग दो छत्ती के रूप में करते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही इस रूम में हमने ऊपर भी जो है पॉलिथीन से मैंने काफी अच्छी तरह से यहाँ पे डिजाइन किया है जो हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। आइए आपको छत पे लेके चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं थर्ड बेडरूम। साथियों हम आ चुके हैं छत पे और ये हमारा थर्ड बेडरूम आप देख सकते हैं। साथियों इस थर्ड बेडरूम में भी मैंने वॉलपेपर का यूज किया है क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी वॉल को जो है खूबसूरत लुक मिलता है। बाकी जो वॉल है हमारी ये प्लेन कलर है जो कि आप देख सकते हैं व्हाइट कलर में इनकी पेंटिंग की गई है। ऊपर जो है हमने इसमें फॉल सीलिंग से हमने डिजाइन किया है जो कि कॉमन डिजाइन है जो कि मैंने किया है कस्टमर को पसंद थी। और इसके साथ ही इस रूम में भी साथियों वेंटिलेशन की अगर बात किया जाए तो 6x6 की एक विंडो आपको यहाँ पे भी लगा रखे गए हैं जिसमें 3 लेयर में होता है। दो में आपके ग्लास लगा होता है एक में आपकी नेट लगी होती जाती है जिससे कि मॉस्किटो वगैरह इस रूम के अंदर ना आए। तो आइए आपको छत दिखा देते हैं और सामने से एक बार फ्रंट व्यू आपको दिखाते हैं। और ये कुछ इस तरह से हमारी जो है छत दी गई है जिसमें हमने एक LED लाइट हमने रनिंग में हमने काम किया है। तो आइए आपको फ्रंट व्यू में दिखा देता हूँ। साथियों ये हमारी पूरी छत हो जाती है और ये मकान हमने पूरा पिलर बेस बनवाया जो कि आप पिलर आप देख सकते हैं सारे एक पिलर आपका ये दिख जाएगा दूसरा एक तीसरा वो चौथा भी पांचवा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर आप कोई इसमें ऊपर अगर आप वॉशरूम वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप एक वॉशरूम आपका यहाँ बन जाएगा और एक नीचे बन जाएगा। तो दोस्तों ये पूरा मकान जो है पिलर बेस बना हुआ है। अगर इसके डिस्टेंस की बात की जाए मेन हाईवे से तो लगभग ये 500 मीटर की दूरी पर है कुर्सी रोड से।
और यहाँ से स्पोर्ट कॉलेज की अगर दूरी देखा जाए तो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। टेढ़ी पुलिया की दूरी यहाँ पे 4.5 किलोमीटर की दूरी है। चार बाग की दूरी यहाँ से लगभग 14.5 किलोमीटर और पॉलीटेक्निक की दूरी यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। साथियों अगर बात करें इसी के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की, तो आसपास यहाँ पे काफी सारे स्कूल और कॉलेज हैं जो कि CMS जयपुरिया केंद्रीय विद्यालय जो कि यहाँ से 4-5 किलोमीटर के दायरे में है। एक अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य आपको यहाँ भी मिल जाएगा, लोकेलिटी बहुत अच्छी है। आप पीछे तक आप देख सकते हैं काफी सारे मकान बने हुए, फैमिली यहाँ पे रह रही, आप आके यहाँ पे आप मकान आप विजिट करके आप ये मकान ले सकते हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, अगर कोई भी जानकारी मिस हो गई हो तो मोबाइल नंबर दिया गया, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। धन्यवाद साथियों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को प्रेस करें, अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक बटन को प्रेस करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।